गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल और H2+ आयन का अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो में हाइड्रोजन H2+ आयन के लिए ही मोलिकुलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन का अध्ययन करेंगे। और मोलिकुलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन किस प्रकार से डेंसिटी काउंट होती है वो अध्ययन करेंगे। देखिए, हमें ये दो इक्वेशन पिछली बार आणविक कक्षकों की ऊर्जा गणना करते समय प्राप्त हुई, C1HAA-E + C2HAB-ESAB=0 फर्स्ट इक्वेशन, और फिर सेकंड इक्वेशन। और जो एनर्जी की इक्वेशन थी वो E1=HAA+HAB/1+HAB और E2=HAA+HAB/1-SAB। इस प्रकार से हमें ये दो इक्वेशन प्राप्त हुई। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ई एनर्जी को सिमेट्रिक कहें, ई एस या ई वन से प्रतिस्थापित कर दें और एच ए ए का मान रख दें। तो इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें ई वन को सब्स्टिट्यूटेड करने पर इक्वेशन प्राप्त होती है नीचे वाली। और फिर इस इक्वेशन में हमने एच ए का मान रख दिया तो हमें इक्वेशन प्राप्त हुई C1(AB)-HAB-E1+C2HAB-E1SAB=0। और इस प्रकार से जब इस इक्वेशन में ई वन को 1+SAB से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन 3 प्राप्त हो जाती है। समीकरण 3 में SAB E1-HAB का भाग देने पर तो C1-C2=0 प्राप्त होता है, या C1=C2। इसी प्रकार E2 के लिए भी हम इक्वेशन 2 में E2 का मान रख दें तो हमें C1=C2 प्राप्त होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि C1=C2 है। अतः रूट E1 व E2 संबंधित आणविक तरंग फलन है। बात आती है अब C1 Ψ1 Ψ A+Ψ B और Ψ2=C2 Ψ A-Ψ B। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन है ये। C1 का मान ज्ञात करने के लिए नॉर्मलाइज जो कंडीशन है उसको अप्लाई करते हैं, Ψ²C1Ψ A+C2Ψ B² d λ=1। ये नॉर्मलाइज वेव इक्वेशन का फॉर्मेट है, इक्वेशन है, उसका फॉलो किया जा रहा है। और जब इसको खोला जाता है तो C1²Ψ²d λ+C2²Ψ B² d λ+C1C2Ψ A Ψ B d λ=1। और इस प्रकार से C1²C2²2C1C2SAB=1 प्राप्त हो जाता है, क्योंकि साई ए का स्क्वायर जो है इंटीग्रेशन साई ए का स्क्वायर है, ये 1 के इक्विवेलेंट है क्योंकि ये नॉर्मलाइज की शर्त है। तो C1=C2 है, पहले ही हमने निकाल चुके हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। तो यहाँ पे हम C1=C2 करें तो C2 की जगह भी अपन क्या रख देंगे, C1 रख देंगे, तो अपने को 2C1² प्राप्त हो जाएगा प्लस 2C1
एस प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से अपने को 2 कॉमन आ जाएगा और C1 स्क्वायर प्लस C1 एस ए बी आ जाएगा। और जब इसको रीअरेंज करते हैं तो C1 इक्वल टू 1/√2 + 2 एस ए बी, और जब C1 इक्वल टू -C2 रखते हैं तो C2 इक्वल टू 1/2 + एस ए बी, ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। माइनस की वैल्यू आएगी C1 में। C1 का मान समीकरण 5-6 में रखने पर प्रसामान्यकृत आणविक तरंग फलन को E1 से संबंधित करते हैं। S=(sin1) तो (sin1)(sin A + sin B) √2 + 2 SAB प्राप्त होता है। और इसकी एनर्जी है तो इक्वेशन 8, और (sin2)(sin A + sin B) √2 - 2 SAB E2=, इक्वेशन 9। इन दो आणविक कक्ष को साई1 साई2 को उनकी ऊर्जा E1 व E2 के रूप में दिखाया गया है। जब नाभिक ए व बी के मान बदल जाते हैं तो साई1 के मान अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि साई2 के चिन्ह बदल जाते हैं। अतः साई1 को समित आणविक कक्षक तरंग फलन व साई2 का समित आणविक कक्षक तरंग फलन साई से प्रदर्शित करते हैं। आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व तरंग फलनों से हम अणु के इलेक्ट्रॉन आवेश का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। आणविक कक्षक के परमाणु कक्षक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता उनके तरंग फलन के वर्ग द्वारा दी जाती है। जैसे दो अवस्थाओं साई1 व साई2 में इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व 8 व 9 के वर्ग करने पर ये इक्वेशन प्राप्त होती हैं। और जब इनको खोला जाता है तो (sin1)²(2+2SAB - 1) (sin A²+sin B+2sin AB) और ऐसे (sin2) का स्क्वायर आता है तो 2 - 2 SAB - 1 पावर में है (sin A²+sin B²-2sin AB)। (sin A² व (sin B² परमाणविक कक्षकों ए तथा बी और (sin1)² बंधी कक्षक (sin2) बंधी कक्षक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रदर्शित करते हैं। अतिव्यापन समाकलन ऐसे भी परमाणु तरंग फलनों साई ए व बी के अतिव्यापन की सीमा का माप है। समनाभिकीय द्वि परमाणु कणु तंत्र के लिए इसका प्रायमान 0.5 होता है। अतः समीकरण को इसलिए इस प्रकार लिख सकते हैं (sin1²)(1+1/2 sin A²+sin B²+2 a sin A sin B) इक्वेशन 10 जो प्राप्त होती है। अर्थात देखिए कि 2+2 SAB की पावर -1 तो ऐसे इक्वेशन 11 प्राप्त होते हैं। नाभिक ए के नजदीक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता (sin A² तथा बी के नजदीक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता (sin B² से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार पद (sin A, sin B) दो नाभिक के मध्य इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है। समीकरण 10 से स्पष्ट है (sin1² का मान 1/2 sin A² तथा 1/2 sin B के स्क्वायर के मानों के योग से (sin A, sin B) अधिक है। इस पद के द्वारा ही परमाणविक कक्षकों का अतिव्यापन होता है। अर्थात बंदी आणविक कक्षक (sin1) का आवेश घनत्व तो दोनों परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन से अधिक होता है। समीकरण 11 से स्पष्ट है (sin2² का मान 1/2 sin A² तथा 1/2 sin B² के मानों के योग से पद (sin A, sin B) कम है। विपरीत बंधे आणविक कक्षक (sin2) का आवेश घनत्व तो दोनों परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन क्षेत्र से कम है। देखिए यहाँ डायग्राम दिखाए हुए हैं कि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, थोड़ा ध्यान से देखना ये वाला डायग्राम,
तो इस वाले डायग्राम में अपन ने देख रखा है साई ए का स्क्वायर, फिर साई बी का स्क्वायर। तो नाभिक ए और नाभिक बी, जो नाभिक ए और नाभिक बी हैं, नाभिक ए और नाभिक बी, ये देखिए, ये नाभिक ए है, ये नाभिक बी है, और इनके क्षेत्र में सर्वाधिक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यह देखिए ग्राफ में टॉप में दिखाया हुआ है कि इनके क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, सर्वाधिक है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ सर्वाधिक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे सर्वाधिक है। तो इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी व्यक्त कर रहा है आरेख, जब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, देखिए यहाँ पर ये वाला। और इसी प्रकार से जब एंटी बॉन्डिंग बनता है तो एंटी बॉन्डिंग जब बनेगा तो दोनों के बीच में नोड आ जाएगी। इस डायग्राम में देखिए ये नोड आ गई है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको नजर नहीं आ रही है। ये देखिए कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर नहीं आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, जीरो है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है, जीरो है। और जो ये डायग्राम है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार आज यहाँ तक, कल से हम पढ़ेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल sp sp2 sp3 के लिए आपको वेव फंक्शन निकालना।